नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति श्रीवास्तव वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। आमतौर पर वो केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करती हुई सोशल मीडिया पे नजर आती हैं, जिस वजह से उनकी बम्पर ट्रोलिंग होती रहती है। अब वीरे दी वेडिंग मूवी के 3 साल पूरा होने पर उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। एक्ट्रेस स्वरा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक नोट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक जुनून का जन्म हुए 3 साल का वक्त हो गया। उस फिल्म को 3री वर्षगांठ की शुभकामनाएं, जिसने अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। इसी के जरिए मुझे ट्रोल करने वाले लोगों के लिए 2 रुपये प्रति ट्वीट रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग वीरे दी वेडिंग लिखा। आपको बता दें, स्वरा ने आगे लिखा कि बदमाशी के इस पार्ट का हिस्सा बनने पर मैं बहुत ही आभारी हूँ। इसमें कुछ अद्भुत महिलाएं और अच्छे पुरुष मेरे साथ थे। उन्होंने रिया कपूर, एकता कपूर, करीना कपूर खान, सोनम कपूर, रुचिका कपूर, कई लोगों को टैग करते हुए उन्होंने फिल्म के लिए थैंक यू कहा। वैसे स्वरा की इस पोस्ट पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। एक फैन ने लिखा कि हम इसके सीक्वल की मांग करते हैं, जबकि कई ने इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया। वहीं एक अन्य शख्स ने कहा कि ये अद्भुत फिल्म थी, इसमें स्वरा की एक्टिंग से मुझे प्यार है। दरअसल स्वरा ने 2 रुपये ट्वीट के मामले का जिक्र करके बीजेपी पर निशाना साधा है। हाल ही में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर एक ऑडियो शेयर किया था, जिसमें 2 लोगों की बात हो रही थी। दावा किया जा रहा था कि इसमें एक शख्स बीजेपी आईटी सेल का है, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ट्वीट करने पर 2 रुपये प्रति ट्वीट देने की बात कह रहा है। ऐसे में साफ है कि स्वरा ने अपने नोट के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं वर्ल्ड फ्रंट की बात करें तो बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री स्वरा भास्कर और अभिनेता गुलशन दवैया की आने वाली शॉर्ट फिल्म दोबारा अलविदा का टाइटल ट्रैक आज रिलीज हो गया है। वन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी शॉर्ट फिल्म दोबारा अलविदा में स्वरा भास्कर और अभिनेता गुलशन देवैया ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।